नमस्कार दोस्तों, स्वागत तुम्हारे आपके स्वागत में। आज मैं रेस्ट कर रहा हूँ बिस्किट के साथ, और वीडियो अच्छी लगा तो लाइक और शेयर करें। ये मक्खन लिया है मैंने, एक ट्विस्ट द्वारा मक्खन जलेंगे और बिस्किट के साथ रेस्ट करेंगे। हल्की फुल्की और बहुत टेस्टी, बच्चों को पसंद आएगी, आपको भी आएगी। ये मैंने कौन दे रखी है, ये प्याज में रखिए, तो पहले हम प्याज तोड़ते हैं और मसाले को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। फटाफट बनने वाली रखती है, ये कौन है भूले हुए कौन है आप फिर भी ले सकते हो, और सब्जियाँ अपने मन मुताबिक ले सकते हो। ये शिमला मिर्च है, ये टमाटर है, इसे बीज उतार दिए मैंने। लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, जो सभी आम चावल सकते हो आप। सॉफ्ट करनी है भाई, करंची भी रहे जो कौन तो हमारी उबली हुई पहले से, और शिमला मिर्च या करंची बना कर उससे लगा देना मटर का। ये मैंने एक चम्मच की मैदा ये डाल देती हूँ बाइंडिंग के लिए, अच्छे से भून लेते हैं मैदा कच्ची ना रहे। थोड़ा सा दूध छोड़ते हैं एक चम्मच से, पका लेते हैं आधा कप के अंदर है। हम मीडियम आँच पे पकाएं, अब थोड़ी मैं चीज आती हूँ दो चम्मच के लिए, मोजरेला चीज आप कोई चीज ले सकते हो। अब गैस बंद कर देते हैं, ठंडा करके लगाएंगे बिस्किट पे, सैंडविच बनाएंगे बिस्किट की। रहो तैयार हमारी स्टफिंग, ठंडी स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। मसाला डाल देंगे उसमें, यहाँ एक चम्मच डाल दिया ऑरिगैनो, और एक चम्मच डालेंगे हम चिली पाउडर। आधा तम चम्मच डाल रहे काली मिर्च, और स्वाद अनुसार डाल रहे नमक, ये चीज में भी नमक होती है, चीज डाली मैंने। और नीचे उतार लेते हैं, अब इसको आराम से रख सकते हैं, ये चम्मच से लगा सकते हैं मैं सर पे। और दूसरा बिस्कुट ऐसे लगा देंगे, मैंने गो वाली बिस्कुट लिया, मैंने चौकोर वाली है, आप गोल भी ले सकते हो। अच्छे से भरें एक एक डेढ़ चम्मच, ये चटनी हल्की हल्की ऐसे लगा लो। ये सेव है, कितनी प्यारी लग रही है, आप सिंपल भी रख सकते हो।